जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए, वहीं 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके अलावा 2 आम नागरिकों की भी इस आतंकी हमले में मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह आतंकी हमला जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम पर सोपोर के आरमपुर में एक नाके पर हुआ। हमले के बाद घायलों को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कश्मीर के आईईजी विजय कुमार ने कहा कि सोपोर में हुए हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, वहीं 2 आम नागरिकों की भी इस हमले में मौत हो गई। 2 अन्य पुलिसकर्मी भी हमले में घायल हुए हैं। इस हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा का हाथ है। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। आतंकियों का बचना नामुमकिन है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आसपास के सभी नाके सील कर दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आतंकियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, हम जल्द उन्हें पकड़ लेंगे। यह एक बड़ा आतंकी हमला है। Hayır, hayır, hayır.